हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग वेल। सो गाइज, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन, जो कि है ब्रांड कोसारेक से। सो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड दोनों के ही सेपरेट वीडियो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। बट काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि दी दोनों में से अगर हमें कोई बाय करना है तो कौन सा बाय करें, वो समझ में नहीं आ रहा था। सो मुझे लगा कि चलो मैं एक कंपैरिजन आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, एज इन दोनों को ही मैंने अच्छे से यूज़ किया है। दिस इज़ माई थर्ड बॉटल एंड दिस इज़ माई सेकेंड कंटेनर, जो कि ऑलमोस्ट मैंने फिनिश कर दिया है इसको भी। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि दो प्रोडक्ट की आपको नीड नहीं है, आप जस्ट नॉर्मल एक बाय करना चाहते हो, तो दोनों में से कौन सा आप बाय करो। सो आई मस्ट से कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो या अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। यार मतलब आप वीडियोज़ देखते हो, आप लोगों के लिए इतने अच्छे अच्छे कॉन्टेंट हम लेके आते हैं आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, दैट इज़ नॉट ए गुड थिंग। वीडियो को लाइक भी करा करो, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो यार, एक बार का काम है। बात कर लेते कि ये प्रोडक्ट क्या है। सो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि स्नेल म्यूकस या स्नेल म्यूशन क्या होता है। सो स्नेल में यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर देती हूँ। स्नेल को एक डार्क व्हाइट रूम में छोड़ा जाता है, उसके बाद में स्नेल जो अपना म्यूकस सीक्रेट करती है उसको इकट्ठा करके ये लोग उसको फिल्टर करके एंड उसके बाद में ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए गए हैं। सो इसके अंदर जो स्नेल का म्यूकस है वो है 96% एंड इसमें जो क्रीम फॉर्म में है इसके अंदर है 92%। बाकी इन दोनों में जो भी एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट है काफी सिमिलर है। सो इंग्रेडिएंट वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये जो फॉर्मूला है ये क्रीमी फॉर्मूला है थोड़ा सा, तो ये सिलिकॉन बेस है तो इसके अंदर काफी ज्यादा जो टेक्सचर एडवांसर होते हैं वो डाले हुए हैं। थोड़ा सा इनको मतलब क्रीमी फॉर्म बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा इंग्रेडिएंट डाले हैं वो है। बाकी ये एकदम जो रो फॉर्म होती है एसेंस टाइप में, जो एक थोड़ा सा वाटरी लेवल की कंसिस्टेंसी होती है, वैसे इसकी कंसिस्टेंसी है। बेसिकली देखा जाए तो एसेंस जो होता है वो आपको एक मतलब एक एक्स्ट्रा लेयर है आपके फेस पे। आप अपने फेस को फेस वॉश करते हो, टोनर लगाते हो, उसके बाद एसेंस लगाते हो, उसके बाद आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगाते हो। सो इसको लगाने के लिए आपको अलग से मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत पड़ेगी। बट ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये क्रीमी फॉर्मूला में है, दैट मींस कि अगर आपने फेस वॉश किया, टोनर लगाया, उसके बाद आपको कोई भी सैरम या मॉइस्चराइजर लगाने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल डायरेक्टली ये वाली क्रीम लगा सकते हो। सो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बनाया गया है। बाकी एज सच इनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें 96% और 92 है, सिर्फ 4% का ही डिफरेंस है। तो अभी बात करते हैं कि फेस पे किस तरह से काम करता है। सो पर्टिकुलर ये जो एसेंस है ये आप अपने फेस पे लगाओगे तो ये बहुत जल्दी से सॉकिन होता है, क्योंकि इसके जो कंसिस्टेंसी है, इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत ज्यादा लाइट है, बहुत ज्यादा थिन है, तो इजीली स्किन के अंदर अब्सॉर्ब हो जाते हैं और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने कुछ लगाया है। बट मेक श्योर कि ये लगाने के बाद आपको अपने फेस पे मॉइस्चराइजर जरूर से लगाना है, तभी जाके आपको इसका फायदा मिलेगा। अदरवाइज ये बहुत लाइट कंसिस्टेंसी है ना, तो इतना मतलब इफेक्ट नहीं आएगा आपके फेस पे। बट ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है इसको लगाने के बाद आपको अलग से कोई भी मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं, इसकी कंसिस्टेंसी सिलिकॉन बेस्ड टाइप में है जो स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करती है, नरिश करती है। आपका फॉर्मूला बिल्कुल भी ग्रीजी नहीं है एज कम्पेयर टू दिस, मतलब इसका फॉर्मूला मुझे हल्का सा ग्रीजी लगता है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, आप डे टाइम में लगा रहे हो तो हल्का सा आपको लगेगा कि यार चिपचिपापन हो रहा है, आप वैसे वेदर में रह रहे हो जहां पे बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो आप इरिटेट हो सकते हो। बट इसका फॉर्मूला काफी ज्यादा सटल है, मतलब बहुत अच्छे से हाइड्रेशन देता है, बहुत अच्छे से ग्लोई स्किन आपको देता है। ऑफ कोर्स इसको लगाने के बाद भी हल्का सा आपको स्टिकी लग सकता है अपना फेस, बट अच्छे से आप अगर मसाज करोगे ना तो विद इन 2 से 3 मिनट्स में स्किन के अंदर सॉकिन हो जाता है और बिल्कुल भी ऐसे स्टिकी या चिपचिपापन नहीं लगता है, बल्कि आपकी स्किन काफी ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोई नजर आती है इसको लगाने के बाद। तो पर्टिकुलर एसेंस जो है वो मुझे ऐसा लगता है कि एक एक्स्ट्रा लेयर आप अपने फेस पे लगा रहे हो जिसकी बिल्कुल भी नीड नहीं है। यस, अगर आप अफोर्ड कर पाते हो तो डेफिनेटली आप इसको एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा। इसका रिजल्ट भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा, बट ये जो पर्टिकुलर क्रीम है ये तो मुझे इतनी ज्यादा अच्छी लगी, मतलब आप 2 से 3 दिन ही लगाओगे ना अपने फेस पे तो आपको खुद को फर्क आएगा कि यस स्किन काफी ज्यादा हेल्दी एंड ग्लोई नजर आ रही है। सो यस, दोनों में अगर मैं आपको बताऊं तो कौन सा आपको बाय करना चाहिए, सो मैं एकदम एग्जैक्ट आंसर आपको नहीं दे पाऊंगी कि दोनों में से आप कौन सा बाय करो। अगर मेरे पास ऑप्शन है इन दोनों में से एक ही प्रोडक्ट को रीपर्चेज करने का, दो मैं दोनों ही प्रोडक्ट को काफी बार मैं साथ में भी यूज करती हूँ, काफी बार मैं एक बार एक ही प्रोडक्ट को यूज करती हूँ। सो बहुत मतलब आई थिंक आपको भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा होगा इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि इन दोनों का कोई भी कंपैरिजन नहीं है। ये दोनों प्रोडक्ट अपने आप में काफी ज्यादा अच्छे हैं, बट दोनों में से अगर आपको एक बाय करना है तो आप ये जो पर्टिकुलर क्रीम है इसको बाय कीजिएगा।
आई थिंक ये आपको 1500 समथिंग मिलेगी और ये आपको मिलेगी 1100 या 1200 समथिंग. सो दोनों प्रोडक्ट अमेजोन पे अवेलेबल है. आजकल मैं अमेजोन से ही बाय करती हूँ, वहाँ पे ना हमेशा डिस्काउंट मिल जाता है इन प्रोडक्ट्स पे. तो ये तो मुझे काफ़ी बार 1000-1050 इतने में ही मिल जाती है. सो ये 1300 तक आपको मिल जाएगी. सो ये आपको लास्ट करेगी आई थिंक 3 से 4 महीने और ये आपकी चलेगी 6 महीने, क्योंकि इसकी क्वान्टिटी काफ़ी ज़्यादा है और ये वाटरी कंसिस्टेंसी में है तो प्रोडक्ट आपको काफ़ी कम लेना होता है इसका. जैसे मैंने बताया था दोनों ही प्रोडक्ट मेरे फेवरेट है. दोनों का मैं कोई भी ऐसे कंपैरिजन आपको नहीं बता सकती कि दोनों में से आप कौन सा बाय करो, बट एक आपको बाय करना है तो फॉर श्योर पहले आप इसको बाय कीजिएगा. अगर आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा लगे देन आप इसको एक बार ट्राई जरूर से करो. मेरे कहने पे ये भी बहुत अच्छा है. और दोनों को अगर आपने साथ में लगाया, मतलब आपने फेस वॉश किया, टोनर किया, उसके बाद ये एसेंस लगाया, उसके बाद ये वाली क्रीम लगाई ना, तो विद इन 1 मंथ आपकी स्किन आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगी. आई एम डैम श्योर इतने अच्छे ये प्रोडक्ट है. सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइप है कोसारेक्स के इन प्रोडक्ट्स, लिटरली ये उतना अच्छा काम करते हैं. सो दे बोथ आर माई फेवरेट, मतलब कोई डाउट नहीं है इसके अंदर. यस, डेफिनेटली इसको ट्राई करना मिस मत कीजिएगा. आप चाहो तो इसको स्किप कर सकते हो. कोई अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो बिल्कुल जरूरत नहीं है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. ये वाला एक बार जरूर से आप ट्राई कीजिएगा. एंड यस, अगर आप दोनों को साथ में यूज करना चाहते हो तो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा. सो दोनों का ही लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. अमेजोन से ही मैं बाय करती हूँ, सो वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा और डिस्काउंटेड प्राइस पे भी ये प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो या गाइज, दैट्स ऑल अबाउट इन टुडेज वीडियो. आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा. सो या मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय.